हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। थ्री होयसाला टेम्पल्स डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये देता है यूनेस्को आपको, ठीक है। और देखिए ये टेम्पल, आप एक फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है आप देख रहे हैं, इसका तो बनता ही था जाना। तो चलिए देखते हैं क्या है इस आर्टिकल में। द होयसाला टेम्पल्स एट द बेलूर हलेबिद एंड सोमनाथपुर इन कर्नाटका वर डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन मंडे इन अ मूव डेट विल ब्रिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन विथ प्रोस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इंटरनेशनल टूरिज्म टू दिस प्लेसेस। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल गया, तो जैसे अभी तक हमें पता था, अब और भी लोग आएंगे इसको देखने कि क्या है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुका है, तो उससे इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगा। तो वहाँ पे आप अगर समझ पा रहे हैं तो इनफ्लो ऑफ डॉलर, रुपीस, पाउंड होगा, तो वो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। चन्नकेश्वर टेम्पल, देखिए चन्नकेश्वर टेम्पल एट बेलूर एंड दी होयसालेश्वर टेम्पल एट दी हलेबेद, बोथ इन हसन डिस्ट्रिक्ट, हैव बीन ऑन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट सिंस 2014। तो ये 2014 से ये लिस्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं। द केशवा टेम्पल एट सोमनाथपुर इन मैसूरू डिस्ट्रिक्ट वॉज अपेंडेड टू दी अदर टू मॉन्यूमेंट अंडर द टेंटेटिव लिस्ट एंड ऑल थ्री वर ऑफिशियली नॉमिनेटेड बाई सेंटर एज इंडियाज एंट्री फॉर 2022-23 इन फेब 2022। तो ठीक है, ये उस समय इनका नाम दिया गया था। आप देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, चन्नकेश्वर टेम्पल एट बेलूर, सालेश्वर टेम्पल एट हलेबेड एंड दी केशवा टेम्पल एट सोमनाथपुर इन मैसूर डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों आपके हसन डिस्ट्रिक्ट में है, ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI सेड द कमिंग टुगेदर ऑफ द क्रिएटिव जीनियस आर्किटेक्चरल एले, ये क्या लिख दिया इन्होंने, बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। एंड सिम्बोलिज्म इन टू द आउटस्टैंडिंग सेक्रेड आर्किटेक्चर मेक्स दिस होयसाला टेम्पल अ ट्रू वर्क ऑफ आर्ट एंड देयर इंस्क्रिप्शन इन एन ऑनर ऑफ इंडिया एंड एंटायर वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी। तो यही चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है ये, तो ये एंटायर कम्युनिटी के लिए एक ऑनर है कि इतने अच्छे अच्छे चीज़ों को ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे यही बोला गया है। एन एक्सपर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कमीशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ICOMOS कंक्लूडेड दैट द साइट विजिट कवरिंग ऑल थ्री टेम्पल इन सेप्टेम्बर लास्ट ईयर एंड द मॉन्यूमेंट्स वर ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यूरिंग द 45th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एट द रियाद सऊदी अरेबिया। तो अभी यहाँ पे सेशन चल रहा है सऊदी अरेबिया में, हेरिटेज का वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन एट द रियाद, और वहाँ पे इसके ये न्यूज़ हमारे लिए आई है। ऑल थ्री टेम्पल्स आर प्रोटेक्टेड बाय द ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द नॉमिनेशंस वर एंटर्ड एज द सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला। एंसेम्बल्स, देखिए एंसेम्बल्स का मतलब होता है कि किसी भी आप जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनको कंबाइन करके आप बोल रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे तीन टेम्पल है जैसे हमने देखा, तो इसीलिए इसको एंसेम्बल्स बोला जा रहा है, एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला। तो एक एक का नाम की जगह इन तीनों को एक साथ बोला गया। द होयसाला टेम्पल्स आर नोन फॉर इवॉल्विंग डिस्टिंक्ट स्टाइल दैट इज ऑर्नेट विद टेम्पल आर्किटेक्चर फॉलोइंग अ स्टेलेट प्लान बिल्ट ऑन रेस्ट प्लेटफॉर्म। अब देखिए आप देख रहे हैं सीढ़ी, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये रेस्ट प्लेटफॉर्म पे बना है, और स्टेलेट प्लान देखिए स्टार जैसा होता है, इसलिए इसको ऐसा, ये एक यूनिक आर्किटेक्चर है। इसलिए द मटेरियल यूज इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज चुलराइट शिस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज सोप स्टोन दैट आर सो सॉफ्ट एंड एमिएबल टू कार्व। तो आप देखिए ये जो कार्विंग हो रही है वो सॉफ्ट स्टोन है तभी हो रहा है। द टेम्पल हैव हॉरिजोंटल फ्रीजेस एंड मेनी ऑफ द स्कल्पचर आर साइंग बाय आर्टिस्ट विच इज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट वाइल द डोरवे शोज इनकारनेट कार्विंग शोकेसिंग द एक्सीलेंस अचीव्ड बाय द आर्टिस्ट। तो यहाँ पे अंदर में भी कार्विंग है, बाहर में भी कार्विंग है, तो ये मतलब आर्ट दिखा रहा है जो ऐसा हमने कभी पहले देखा नहीं है। अ देवराजू कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एंड हेरिटेज सेड द इंस्क्रिप्शन ऑफ द थ्री साइट्स एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट वुड गिव ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर थ्री मॉन्यूमेंट्स। ही सेड गोइंग फॉरवर्ड द कंसर्न ऑफ यूनेस्को इफ एनी वुड बी एड्रेस्ड एंड देर वुड बी एन एम्फेसिस एंड इनहेंसिंग टूरिस्ट अमेनिटीज। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर यूनेस्को को कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए हम लोग बैठे हैं, यूनेस्को हमारे ऊपर छोड़ सकता है। यहाँ पे जो अभी जैसे कि अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया है, तो यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो उनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा।
आसपास में। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले ये तीन टेम्पल जो हैं आपके, फर्स्ट ये होयसालेश्वर, सेकंड एंड केशवा, थर्ड, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप देखिए होयसाला डायनेस्टी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये टेम्पल कब बने थे, और उसके बाद होयसाला आर्किट देखिए, डायनेस्टी, ठीक है, डायनेस्टी होगी, आर्किटेक्चर हो गया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए ये कौन से सैंडस्टोन से बना है, जिसको सोप स्टोन बोला जाता है, सोप स्टोन है, ठीक है। ये आपका क्लोराइट सिस्ट से बना हुआ है, और आप देखिए एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला बोला गया इसको, द सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आया है। आप देखिए ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी रियाद, अभी सऊदी अरेबिया में हो रहा है ये समिट, 45th समिट वहाँ पर आया है। और यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है बस, और आप डिस्ट्रिक्ट अगर याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे लिए बस इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है कि ये सारे वर्ड एसोसिएशन करने अगर एमसीक्यू में आए, या आपको कभी लिखना हुआ कुछ, तो आप ये वर्ड एसोसिएट करके लिख लें। ये तो आपके बहुत इम्पोर्टेंट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है कि डायनेस्टी और आर्किटेक्चर क्या है, ये नगारा स्टाइल और आपका द्रविड़ा स्टाइल से होयसाला स्टाइल जो टेम्पल का है वो कैसे डिफरेंट है, तो और ये किसका सब पार्ट है, नगारा का है कि द्रविडियन का है। तो प्लीज़ इसके ऊपर आप स्टडी करिए, और आपको अगर वीडियो चाहिए तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए। सो वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।